पी फोर पकाओ, आपने क्यों छोड़ा? यार अब देखे, मैंने ये बात किसी जगह कही नहीं है, एक इंसान का एटीट्यूड ना चेंज होने लगता है, तो उसका एटीट्यूड भी थोड़ा चेंज होने लगा और पैसों में फिर मसला हुआ, पैसों पैसों में मसला होने लगेगा। में मसला हुआ, पैसे कम देने लगा, तो फिर हमारी लड़ाई भी हुई। ये टाइम पॉडकास्ट शुरू टाइम करने का मकसद क्या था आपका इसके पीछे? देखिए, जियो एक चैनल है, ARY एक चैनल है, तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, वसीम बदामी वगैरह, ITC, जो भी उस चैनल के ब्रांड हैं। अब आप देख रहे होंगे कि चैनल के साथ तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो अलग भी काम कर रहे हैं अपना ना। आपने भी एक हाँ, रोड शो शुरू किया अपना, काला रोड शो किया बंद था, उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा था, काला बंदर आपने शुरू काला किया। बंदर, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। बल्कि अभी भी मुझे टाइम मिलता तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये कि जब लोग पहचानने लग जाते हैं ना, रोड पे आपको प्रॉब्लम होती है। आपका चैनल हैक हुआ था कुछ हाँ, अरसे पहले की बात है, वो हो 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 आपने एक चीज को स्टार्ट लिया, काफी टाइम तक उस पे अपनी मेहनत की, फिर एक रात आपका फोन एक रात आता है, मेरे पास ही आया था, आपने निकाल के दिया था और चैनल। चैनल आपका हैक हो जाता है। आधी रात को मुझे कॉल आई कि भाई, हम क्या कहते हैं, बिजली के महकमे से बात कर रहे हैं, आपका जो मीटर है वो इतना तेज चल रहा है, कुछ इसी तरह की बात थी, इतना तेज चल रहा है, ऐसे चल रहा है। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला रात को 3 बजे बिजली के महकमे से कॉल। अब मैं फिर परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये कोई सीन लग रहा है मुझे अहमद भाई, मतलब खैर जाने दो, मेरा वहम भी हो सकता है। उसके अगले दिन मेरा चैनल हैक हो गया ना। वो इंडिया का एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो कह रहा था कि आप 1 लाख रुपया महीने में कमा ही नहीं सकते अगर आपके सारे दोस्त महाना 25-25 हज़ार रुपये कमाते। ऐसा ही है, मौलाना तारिक जमील के साथ अभी आपकी मुलाकात हुई है, आहा, किस सुभान अल्लाह, किस शख्सियत का आपने नाम ले लिया, क्या मौलाना बात तारिक है। जमील साहब। मैं आपको बताऊं ना, मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ, जितने भी से लोगों से मैं मिला हूँ अपनी जिंदगी में ना, वो सारे मैंने भारी भारी लोग देखे, भारी भारी, लाइक उनकी रूह बहुत भारी है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, नहीं अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये गुनाहों समझने से, लगा था। गुनाहों ठीक से है ठीक उनकी है रूह ठीक है। भारी है। अस्सलाम वालेकुम अहमद खान, क्या हाल है, वालेकुम खैरियत से? सलाम, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मुबारक आपने पॉडकास्ट स्टार्ट सर कर ये दी सब आप फाइनली। ही की मरहूने मिन्नत है, नहीं आप नहीं 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 ये सब आप आपकी वजह से हुआ है जो नहीं नहीं आज जो मैंने यहाँ पर किया, स्टार्ट देखिए हो रहा जो है। मैंने किया इसके तो मैं पैसे लूंगा, ठीक कोई है। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन सर पूछे मैं आपको ऐसे सवाल के बगैर जाने नहीं दूंगा आज। आज आपसे मैं सबसे पूछे, पहली मैं पता है, बार मैं आपको आज इंटरव्यू दूंगा, मैं आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू करना ही नहीं चाहता, मैं आपका इंटरव्यू करना नहीं मैं चाहता, आपको मैं वो इंटरव्यू देने सवाल जा रहा करना ही हूं। नहीं चाहता जो नॉर्मली करते हैं कि आप कौन सी पैंट पहनते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, मैं ये सब सवाल करना ही नहीं आप क्या चाहता। पूछेंगे, वॉशरूम मैं में चले आप जाते नहीं, हैं? मैं ये भी नहीं पूछना चाहता, मैं सबसे हाँ, पहला सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ, जो आपकी वजह शोहरत बनी, जिस वजह से आपको पाकिस्तान ने नाम दिया, लोगों ने आपको प्रैंक शोज के अंदर देखा, पी फॉर पकाओ, आपने क्यों हाँ छोड़ा? यार, अब देखिए, मैंने ये बात किसी जगह कही नहीं है, जो बोलूंगा मैं सच बोलूंगा। और सच की सेवा में कुछ भी नहीं सुनूंगा, हाँ सही है, मैं सच बोलूंगा बिल्कुल बोलिए। यार, नादिर के साथ बहुत काम किया मैंने, लेकिन एक इंसान का एटीट्यूड ना चेंज होने लगता है, तो उसका एटीट्यूड भी थोड़ा चेंज होने लगा और पैसों में फिर मसला हुआ, पैसों में मसला होने लगेगा, पैसों में मसला हुआ, पैसे कम देने लगा, तो फिर हमारी लड़ाई भी हुई। नहीं करें यार। हाँ, तो ऐसा लोग सुनना चाहते हैं, अच्छा, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। ये क्या था, ये जोक था क्या? ये बिल्कुल जोक था, पता नहीं क्या समझ रहे लोग, कि नहीं करें भाई यार, छोड़ दिया तो मतलब के क्या कहते हैं, कोई लड़ाई वड़ाई हुई मुझे है। तो लग रहा है कि जैसे कुछ जेलिसी फैक्टर था, आपने देखा यार नादिर ने भी पॉडकास्ट वगैरह शुरू कर दी, इस किस वजह से चीज से आप भी चलूंगा मैं, नादिर के पॉडकास्ट, हुसन से चलूंगा नहीं नादिर के हुसन से तो आप जल भी नहीं या फिर वो मेरे सकते। हुसन से चलेगा? नहीं, वो ये इस तरह की कोई बात नहीं, मतलब ये भी हो सकता है कि आपने देखा कि यार, क्योंकि एज अ टीम लीडर वो आप लोगों के लेके चलता है, ठीक है, और जहां पर भी जितने भी प्रैंक्स देखे गए सब जगह नादिर अली का नाम ज्यादा यूज होता है, तो वो अच्छा करता है ना, ऐसा इसलिए यूज होता नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोगों की भी तो अपनी मेहनत थी ना, तो फिर आप लोगों ने क्या ये सोच के सोचा कि यार पैसे नहीं दे रहा, नहीं नहीं या नहीं कोई पैसों जेलिसी का, फैक्टर है कि यार उसका पैसों का नाम पता ज्यादा नहीं, हो रहा है, मेरा नाम नहीं कम हो रहा पैसों है? वैसों का तो ये आजकल मुझसे बहुत सवाल हो रहा है, लोग पता नहीं, लोग क्या चाह रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। हाँ भाई, यही पैसों का मसला था, कोई पैसों का मसला नहीं था, टाइम का मसला था। क्योंकि जब मैंने अपने प्रोफाइल चैनल पे काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि महीने में 30 दिन मुझे कम पड़ रहा है, अगर महीने में 60 दिन होते तो आप यकीन करें मैं आपको पीपी पकाओ में नजर आ रहा होता, क्योंकि दिन 30 हैं और मेरे डेली अपलोडिंग से, डेली अपलोडिंग से मुराद के रोज किसी ना किसी काम में लगे रहता हूँ, जिसकी वजह से सिर्फ इसका मसला सिर्फ टाइम है। और अभी भी मेरी नादिर से दोस्ती है, हम आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, अच्छी करते हैं।
तो नादिर, मैं आपकी सैलरी तो नहीं पूछूंगा कि नादिर आपको पे क्या करता था, मैं कौन सी बता रहा हूं, और क्या आप लोग सैलरी बेसिस पर थे या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था आप लोगों का, या नॉर्मली मतलब क्या क्या जो मिल जाता था रख लेते थे, कोरमा रोटी चल रहा था। अच्छा, इसकी वजह से यानी कि आप या तो पैसे कम हो रहे थे, इस वजह से आपने शायद पॉडकास्ट शुरू करी, या पॉडकास्ट शुरू करने का मकसद क्या था आपका इसके पीछे? यार देखें, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, देखिए जियो एक चैनल है, ARY एक चैनल है, तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, वसीम बदामी वगैरह, ATC जो भी उस चैनल के ब्रांड हैं। अब आप देख रहे होंगे कि चैनल के साथ तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो अलग भी काम कर रहे हैं अपना ना, अपने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ गए वो लोग। तो एक इंसान का खुद का भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे उसको कोई पाबंदी ना हो, जहाँ पे वो अपनी मर्जी की बात कर ले। तो मैंने सोचा हमारा भी ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और वो तो मैंने शुरू किया तो मुझे नहीं पता था इतना कामयाब होगा, अभी भी खैर लोगों की दुआ से चल रहा है जो भी चल रहा है, तो हमारा खुद का कोई कमाल नहीं है, लोगों की मोहब्बत है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये अच्छा, फिर पॉडकास्ट की तरफ ही क्यों है, क्योंकि देखो पहले आप लोग P4 बकाओ में प्रैंक्स करते थे, आपने भी एक रोड शो शुरू किया अपना, शुरू किया था, उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा था, काला बंदर आपने शुरू किया, काला बंदर उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, बल्कि अभी भी मुझे टाइम मिलता था मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये कि जब लोग पहचानने लग जाते ना रोड पे आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे साथ इतनी कोई, मैं कोई इतना बड़ा चैनल तो हूँ नहीं जो मेरे साथ इतनी बड़ी टीम हो, वो एक दो ही बंदे होते थे बस, तो उसमें काफी प्रॉब्लम होने लगी। तो हालांकि जो लोग मिलते हैं अल्लाह नगर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं तंग होने लगा, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, उनसे लाइव मिलके खुशी होती है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो काम के बीच में आ रहे होते हैं ना, तो इंसान, मैंने ही बोला कि यार अब एक बच्चा मुझसे मिलने आया, मैं अपना शो कर रहा, तस्वीर से खिंचवाई उसने, तो दो चार लोग और आ गए, अब मैंने अपने वहाँ पे मैंने अपना शूट छोड़ दिया, मैंने कहा यार ये लोग बच्चे इतनी मोहब्बत से मिल रहे हैं तो इन लोगों से मिलना चाहिए, तो पता लगा फिर उसका बारिश हो गई, मेरा शूट रह गया, मैं उन लोगों में लग गया, तो मैंने बोला यार मैं उनको तो मना नहीं कर सकता, मैं कॉन्टेंट ही चेंज कर देता हूँ, तो फिर रोड से थोड़ा बहुत अवॉइड करा। हालांकि आप भी पॉडकास्ट कर रहे हो और मैंने भी देखो पॉडकास्ट ही स्टार्ट किया, हाँ आपने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, पॉडकास्ट ही क्यों, कुछ और भी तो आप कर सकते थे, इनके पॉडकास्ट एक, आप मुझे किस ट्रेंड, आप मुझे किस मैं चाह रहा हूं, आप एक पॉडकास्ट एक बड़ी चीज है, आप कुछ पॉडकास्ट से कुछ हटके करते, आप क्या चाह रहे हैं, मैं किस फिल्म, मैं चाहता आप मतलब एलन मस्क के साथ बैठे हुए होते और उसके साथ बैठ के कोई नासा वासा की कोई ना कोई चीज कर रहे होते, आप क्या पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट आपको नहीं डिजर्व करती, आपने पॉडकास्ट क्यों शुरू की है? यार पॉडकास्ट इसलिए शुरू की है, पॉडकास्ट शुरू करने की वजह है, पॉडकास्ट ना आसान बहुत है, इसीलिए तो मैंने शुरू किया है ना नहीं बड़ा मुश्किल काम आपने, आपका चैनल हैक हुआ था, हाँ। कुछ अरसे पहले की बात है, वो आपने एक चीज को स्टार्ट लिया, काफी टाइम तक उस पे अपनी मेहनत की, फिर एक रात आपका फोन, एक रात आता है मेरे पास ही आया था, आप ही ने निकाल और चैनल आपका हैक हो जाता है, चैनल हैक हो गया मोमेंट, और वो आपने वैसे आपने एक वीडियो शेयर की थी अपनी और काफी ज्यादा आप इस बात को कर भी चुके हो सर, लेकिन वो चीज आप मुझे बताओ जो चीज आपने एक्चुअल में मतलब, देखो एक वीडियो के सामने बनाना लोग अपने तासुरात शेयर करना वो ठीक है, मगर एक एक्चुअली क्या हुआ था, तुम्हें क्या फील हो रहा था, क्या इसके आगे सर, क्या है? जब चैनल हैक हुआ ना मेरी शर्ट फट गई थी, कौन सी वाली शर्ट फट गई थी मेरी, उस समय मैंने शर्ट फाड़ दी थी, हुआ यूं के अच्छा चैनल हैक होना, चैनल हैक हो जाना क्योंकि सबका चैनल नहीं होता, तो मैं उनको उनके तौर पे समझाता हूँ, आप एक बिजनेस सेट करो, ठीक है आपने बिजनेस पे लगा दिया 10-15 लाख रुपए, रात को आप ताला बंद करके गए हो, सुबह और आओ तो कोई और वहां पे खड़ा हुआ है, कराची में तो इसकी मिसाल ऐसी है, कराची में तो ऐसी ही है। जब चैनल हैक हुआ तो मुझे ना एक कॉल आई, कैसे हैक हुआ मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक कॉल आई तकरीबन टाइम मुझे एक्चुअली याद नहीं है, कॉल आधी रात को मुझे कॉल आई कि भाई हम क्या कहते हैं बिजली के महकमे से बात कर रहे हैं, आपका जो मीटर है वो इतना तेज चल रहा है, कुछ इसी तरह की बात थी, इतना तेज चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा रात को 3 बजे बिजली के महकमे से कॉल, तो फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उससे पूछना चाहा कि कौन है, अच्छा मैं भी ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था कौन है, किस उससे बात कर रहा है, थोड़ी देर बाद वो कॉल बंद हो गई, मैंने बोला यार ये कॉल बंद हो गई, और इतनी देर उसने बात की ऐसा लगता है उसने मेरे साथ टाइम पास किया, जितनी देर में कॉल ट्रेस होती है वगैरह वगैरह ना, उसने मेरे साथ टाइम पास किया, अब मैं फिर परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये कोई सीन लग रहा है मुझे अहमद भाई, मैं खैर जाने दो मेरा वहम भी हो सकता है, उसके अगले दिन मेरा चैनल हैक हो गया, लेकिन इस चीज का ताल्लुक मैं नहीं समझता, देखें अभी नहीं, नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, कंफर्म नहीं था मुझे कि उसी ने किया, लेकिन अगले दिन मेरा चैनल हैक हो गया, सही है,
तो मुझे ऐसा लगा कि उसका रेलेवेंट वो वहां से था, फिर आपने निकाल के दिया वो चैनल। वो तो खैर निकल गया था, लेकिन हो सकता है किसी जगह का पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो। जैसे आपने भी कुछ रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट की थी एक नौजवान के साथ, उन्होंने हैकिंग के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आपको गाइड की थी, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे भी आप किसी भी जगह पे बैठे हुए हो तो आपका वाईफाई यूज़ हो रहा हो या आपकी कोई कोड्स वगैरह। मुझे एक बात बताएं, आप जो कह रहे हैं कि पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लॉगर हूँ, बिल्कुल मैं पाकिस्तान से क्या कहते हैं दुबई गया हूँ ब्लॉगिंग करने, वहाँ तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, लाजमी क्या करूँ वहाँ पे, लाजमी सी बात है। और इवन वहाँ अगर मैंने यूज़ कर लिया ये भी सिक्योर नहीं है? नहीं बिल्कुल सिक्योर तो है, सिक्योर तो है, फिर वो भी तो दूसरा वाईफाई यूज हुआ, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो यार, कोई के इलेक्ट्रिक पे बैठ करके कोई के आपने कहा कि आपको किसी कंपनी से कॉल आई, ठीक है, और वो बात कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से, और आप वो कह रहा है कि यार आपका चैनल, आप उस चीज से सोच रहे हो कि चैनल हैक हो, तो ये पॉसिबल तो नहीं। चले चले मुझे आप बताएं, मुझे आप बताएं ना, मुझे आप बताएं कि किन किन चीजों से चैनल हैक हो सकता है, बताएं। मैं यूट्यूबर हूँ, बिल्कुल, मेरा चैनल किन किन चीजों से हैक हो सकता है? भाई नॉर्मल पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि आप पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग ना हो, नॉर्मल पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, नंबर्स आपका पब्लिक हुआ हो। एक सेकंड एक सेकंड, मेरा पासवर्ड तो स्ट्रॉन्ग ही है ना, फॉर एग्जांपल सही है, ठीक है, मेरा पासवर्ड है Ahmed321 पिल्ले। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अब ये तो मेरे लिए आसान है ना भाई, आपके लिए आसान थोड़ी है। इसी वजह से तो सर इसी तरह नहीं, क्यों क्यों कैसे हैक हो जाता है मुझे बताया, बिल्कुल हो सकता यार मेरा पासवर्ड जो मेरे जहन, भाई देखिए मेरी बात सुने, अब मैंने एक पासवर्ड सोचा हुआ जो बहुत आसान है, अब आप बताएं वो क्या सोचा है मैंने। नहीं, इस तरह तो देखे सर, मैंने जो पासवर्ड सोचा वो तो हैकर्स जो है ना, वो नॉर्मली वो गेसेस पे चल रहा है। सुने सुने सुने, मैंने जो पासवर्ड सोचा वो तो मेरे लिए आसान है ना। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, आपके लिए आसान थोड़ी है जो है। देखें आजकल हैकर्स, अब मिसाल के तौर पे नॉर्मली लोग यूज करते हैं आई लव पाकिस्तान 1234, दैट्स द पासवर्ड, और ये नॉर्मली ऐसी चीज जो बहुत सारे लोग करते हैं, तो हैकर्स को तो एक की पॉइंट होता है यार, लगा के देख लिया, गेस हो गया। हैकर जो होता है वो सारे डाटा डाल के देखता है भाई, गेसेस कर। मैं खैर मैं हैकर नहीं हूं भाई, तुम्हें लेकिन क्या है कि हैकर्स के लिए बहुत इजी होता है गैस करना। हाँ। और प्लस यार उनके कुछ लूप होल्स हैं, कुछ क्या है एक लैंग्वेजेस बैकग्राउंड पे यूज हो रही होती हैं जिसके तहत वो उस चीज के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन पासवर्ड आदमी मुश्किल रखे, पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कि आपके अकाउंट्स को हैक होने के लिए ये हो सकते हैं। नेपोटिज्म के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें बॉलीवुड या हॉलीवुड या लॉलीवुड, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि डायरेक्टर्स के बच्चे और उनके कोई रिश्तेदार वो चीज में आ रहे हैं, मतलब सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। नेपोटिज्म अब ऐसा है, हो सकता है कि अहमद खान का कल बेटा या बेटी स्क्रीन पर आ रही है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, देखें नेपोटिज्म कुछ जगह पे जायज है और कुछ जगह पे नाजायज है। कैसे? डॉक्टर का बेटा क्या होता है? मेरे एक खालू है, उनके डॉक्टर का डॉक्टर है, उनका बेटा इंजीनियर है। तो वो आपके सिर्फ एक खालू है, आपके खालू ने सही फील्ड में नहीं डाला अपने बच्चे को। जितने भी जो डॉक्टर है ना उनका बेटा भी डॉक्टर है, दूसरा बेटा प्लम्बर है उसका बेटा भी प्लम्बर है, है ना। अब जो एक्टर है उसका बेटा भी तो एक्टर ही होगा, जो सिंगर है उसका बेटा भी तो सिंगर ही होगा। लेकिन ये यहां तक जायज है नेपोटिज्म, क्योंकि अगर मेरा बेटा अगर एक्टर बन रहा है तो उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन पॉलिटिक्स में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? पॉलिटिक्स तो जिम्मेदारी है ना, पॉलिटिक्स तो जिम्मेदारी है ना। अब जैसे मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हूं, ठीक है, सही है, मुझ पर क्या है कि मैं आवाम की खिदमत करूंगा, ये मुझ पर जिम्मेदारी है। अब अगर मेरा बेटा नकारा है और मैंने अपने बेटे को मुसल्लत कर दिया उन पे, अब वो खराब पॉलिसीज बनाएगा, सही है, तो फिर तो आवाम का नुकसान है। इसमें जायज नहीं है पॉलिटिक्स। हमारे टीवी एक्टर्स ना अक्सर बैठ के कह रहे होते हैं ना उस पर टीवी चैनल्स पे, नेपोटिज्म नेपोटिज्म है, पॉलिटिक्स जो है उसका बेटा सदर बन जाता है, वजीर आजम बन जाता है। तो भाई तुम्हारा बेटा बेटा एक्टर बन जाता है, ये तो मैं यही तो कह रहा हूँ, कई जगह जायज है कई जगह नाजायज है। किस्मती से हम इस चीज को फेस भी कर रहे हैं, हम चीजों इस चीज को फेस कर रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप आने वाला है अहमद खान, वर्ल्ड कप, और आप लोग अक्सर जो है व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप भी आने वाला है, एशिया कप भी आने वाला है। सट्टे बट्टे का सीन है आपका, क्या सीन है? नहीं, सट्टे बट्टे का सीन नहीं है, अभी देखो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है और इंडिया के घर में होने वाला है। नहीं, किसी के होम लैंड पर वो टीम तो उसमें है, प्रेशर के अंदर है, इंडिया तो प्रेशर के अंदर। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जिसका होम होता है ना वो ज्यादा प्रेशर में होता है। तो वही तो कह रहा हूँ, इंडिया फॉर एग्जाम्पल, अब इंडिया अगर पाकिस्तान खेलने आया है तो इंडिया ये सोच रहा है कि पाकिस्तान को हराना है। अब पाकिस्तान ये सोच रहा है अगर यार हम होमलैंड में हार गए ना बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल, अब इंडिया ये सोचेगा यार कोई बात नहीं, इनका तो होमलैंड है, हमारी आएंगे तो हम हरा देंगे।
तो जिसके आप जाते हैं ना खेलने, उस पर ज्यादा प्रेशर होता है, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, देखें 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए हो, बॉलर पे प्रेशर नहीं होता। 1 बॉल पे 6 रन चाहिए हो, बॉलर की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि 6 बॉलों पे 6 तो कोई भी बॉलर दे देगा, लेकिन 1 बॉल पे अगर छक्का जिसने खा लिया, वो इंडिया का था ना चेतन शर्मा नाम था उसका, गालिबन मियां दाद ने जो छक्का मारा था, कहाँ चला गया बेचारा, आपने देखा उसको? उसका तो नाम ही मुझे याद नहीं, मुझे छक्का याद है जावेद मियांदा साहब का, और उसके बाद जो जावेद मियांदा साहब को जो चीजें मिली हैं चेतन शर्मा का, फिर वहां पे क्या किया लोगों ने, मतलब उनका फ्यूचर तो मेरा ख्याल एक तरीके से क्रिकेट करियर तो उनका खत्म हो गया ना ऐसे ही। अगर 6 बॉल पे 6 चाहिए होते और जावेद मियांदाद पहली बॉल पे छक्का मार देता तो इतनी बुराई नहीं होती, इतनी बुराई नहीं आती सर, लेकिन बस वो होने वाली बात है। तो ये प्रेशर इंडिया पे ज्यादा हुआ बिल्कुल पाकिस्तान के। तो आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? वो मेरा ख्याल वो जीत जाएगा, नेपाल। हाँ, क्योंकि उनकी टीम ही नहीं है, वो सिर्फ बैठ के देखेंगे। अच्छा अहमद खान, एक और सवाल है, इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं, मतलब क्या देखते हैं, कुछ शोज वगैरह देखते हैं, या एक इंटरटेनर को इंटरटेनमेंट के लिए क्या चाहिए? यार मैं ना अलग तरह के इंटरटेनमेंट देखता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर सुनता हूँ इंटरटेनमेंट के लिए। मोटिवेशनल स्पीकर 2023 के मोटिवेशनल स्पीकर बड़े कमाल हैं, लेकिन उनमें बस एक उनमें बुराई है जो मैं समझता हूँ, अगर वो मोटिवेशनल स्पीकर मुस्लिम नहीं होता ना तो आपको दुनिया तक मोटिवेट करता है। वो आपको क्या बताएगा कि भाई आपने 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है, 2 साल में 2 करोड़ रुपए कमाना है, अब हम उसकी बात सुन रहे हैं, अब कैसे कमाना है ये उसने नहीं बताया, ये नहीं बताया। सही है, मैं तो किसी का हक भी मार सकता हूँ 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए, तो अगर उस मोटिवेशनल स्पीकर की बात मान लूँ तो क्या मैं 1 करोड़ किसी की ऐसी की तैसी करके क्या मैं कामयाब हो गया 1 करोड़ रुपए कमा के? बिल्कुल नहीं ना। तो मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा होना चाहिए जो आपको बोले यार आपने 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाने, लेकिन अगर आपने नहीं भी कमाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह पाक का है, बेशक ऐसा ही है, आपको रिस्क मिलेगा। अगर आपने 1 करोड़ रुपए नहीं भी कमाए तो ये सुकून है, इस मोटिवेशन का सबको फायदा है। एक मैंने वो सुना था, वो इंडिया का एक मोटिवेशनल स्पीकर था, वो कह रहा था कि आप 1 लाख रुपया महीने में कमा ही नहीं सकते अगर आपके सारे दोस्त महाना 25-25 हजार रुपए कमाते। ऐसा ही है, ऐसा है ना, ऐसा ही है। लेकिन अब जो मेरे दोस्त 25-25 हजार रुपए कमाते हैं, मैं गलत मारूं तो उनको क्या करूं? नहीं नहीं, इसका इसका ये भी हो सकता है, इसका ये बात भी हो सकती है कि वो माइंड सेट होता है एक लोगों का, मतलब जो 25,000 कमाने वाला बंदा है ना, तो उसका माइंडसेट वही वही उसी हद तक है, वो 25 से 30 हजार तक की जम की बात करेगा, उससे आगे वो उसकी सोच ही नहीं है। देखिए मोटिवेशनल मैंने स्पीच सुनी, मैं उस पर अमल की तरफ जाऊंगा ना, ऐसा ही है। अब 25,000 वालों का क्या करूं, लात मार दूं क्या करूं? नहीं नहीं, दोस्ती तो दोस्ती है यार, उसको तो दोस्ती तो दोस्ती है ना। तो एग्जैक्टली माय पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है, मोटिवेशनल स्पीकर को ये बोलना चाहिए कि अगर आप 25-25 हजार रुपए आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ भी बैठिए, उनकी बात पे अमल नहीं कीजिए, अमल नहीं कीजिए, अमल आपने 1 लाख वाले बात पे करनी है, अमल आपने 1 लाख रुपए बात पे करना, लेकिन बैठे उसके साथ, बिल्कुल ऐसा ही है ना। मोटिवेशनल स्पीकर की ये लाइन होनी चाहिए कि भाई एक टैग लाइन होनी चाहिए, पैसे के पीछे भागना है, लेकिन ना मिले तो किसी दूसरे को ठा 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 मारना नहीं है, मारना नहीं है ना, बिल्कुल पैसा कमाना है, हलाल भी कमाना है। ये इसी बात से एक याद आई अहमद भाई, कराची के हालात, मुल्क के हालात, कराची के हालात, कराची क्यों ज्यादा, क्योंकि कराची में ये सब चीजें ज्यादा हो रही हैं, छीना छपटी ज्यादा हो रही है, ठीक है, आप आपकी कोई चीज सेफ नहीं है, बाहर निकलते हो आपको 10 किस्म की टेंशन है, मोबाइल ना छीन जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो इस दौरान में अहमद खान अपने आपको क्या देखता है, क्या वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी दुबई चले गए और कुछ आगे की तरफ भी देख रहे हैं, यूरोप साइड की तरफ भी देख रहे हैं, तो अहमद खान क्या सोचता है इस बारे में, क्या वो दुबई की तरफ मूव हो रहा है? क्योंकि मेरे पास एक बहुत जबरदस्त चीज है दुबई के हवाले से। अच्छा, तो पहले आप मुझे ये बताइए। हाँ बिल्कुल, यार मेरा पाकिस्तान को छोड़ने का कोई प्लान नहीं है, इतने बुरे हालात के बावजूद। क्या बुरे हालात हैं, आप तो ऐसे परेशान हो रहे, ये बुरे हालात आज हुए, ये बुरे हालात, बुरे हालात ही चल रहे हैं। आप एक काम करें ना, आप ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखें पाकिस्तान की ना, उसमें भी बिजली जा रही है, उसमें भी महंगाई है, और ये एक्चुअली ये इशू जो जितने भी हैं वो उस जमाने में भी सारे इशू हैं। महंगाई तो अपनी जगह है, महंगाई तो अपनी जगह है, मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मतलब स्ट्रीट क्राइम साथ हमेशा से और ये कराची में ज्यादा है। अगर आप कराची से बाहर निकलते हो, मेरी बम्परी बात नहीं होता, कराची में होता है ना, आपको पता लग जाता है, क्योंकि 10 लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खड़ा किया है, 10 लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खड़ा किया है, उसके अलावा 100 न्यूज चैनल है। अब हर
अब एक जगह मोबाइल छिना है ना, 100 जगह आपको खबर नजर आ रही है, समझ रहे हैं? ऐसा ही है। तो अब आपकी वो ना वो क्रिएट हो गई आपकी ना, मतलब ये आप ये कह रहे यानी हम पाकिस्तान में कहीं बाहर जाते ना, हम पाकिस्तान में कहीं बाहर जाते हैं, लोग पूछते हुई कराची से आयो, हालात कैसे हैं? बोला भाई सही है भाई, हालात क्या हुआ? न्यूज पे देख रहा था, मैं नहीं देख रहा था। यानी इतनी सी ये इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, अच्छे काम भी होते हैं तो वो तो नहीं पता चलता है, लेकिन ये मीडिया ने ना काफी गंद कर दिया। लेकिन आप ये देखें कि दुबई जो है ना गोल्डन वीजा प्रोवाइड कर रहा है, कैसे मिल रहा है कंटेंट क्रिएटर्स को, क्या तरीका है? स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स को गोल्डन वीजा प्रोवाइड कर रहा है। तरीका तो खैर मुझे नहीं पता, मैंने भी वीडियोस वगैरह में देखा था, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स को दुबई फैसिलिटेट कर रहा है गोल्डन वीजा के तहत। अब इस बारे में क्या कहोगे? यार मिला तो चला जाऊंगा, लेकिन ये कि मुस्तकिल यार मुस्तकिल मैं नहीं रह सकता, मैं मुस्तकिल किसी भी मुल्क में नहीं रह सकता सिवाय सऊदी अरेबिया के। Honestly, मक्का मदीना है। तो मक्का मदीना तो बात ही है ना, उसकी तो उसके लिए तो आपको किसी वीजा या किसी चीज के लिए ना आपको ये सोचना है हालात क्या, बस वहां का मुझे दे दें कामा गोल्डन वीजा, क्या होता है कामा, वहां का कामा चल रहा है, वहां का कामा दे दें सर, क्या है? मैं तो कोशिश में हूं, मैं तो खुद ख्वाहिश करता हूं कि सऊदी अरब को इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी निकालनी चाहिए, इजीनेस करनी चाहिए, और गल्फ कंट्रीज को स्पेशली इस चीज पे सोचना चाहिए कि यार वो पासपोर्ट वगैरह की थोड़ी सी आसानी करे ताकि बंदा सोचे, क्योंकि देखो यूरोप साइड पर इस साइड पर तो पासपोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, इसलिए दुबई को भी देना चाहिए। दुबई? अच्छा आप दुबई जाना चाह रहे हैं? नहीं मैं दुबई जाना नहीं जा रहा, मैं तो मदीने की सेटिंग का सोच रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, बनाए सेटिंग यार, देखते हैं यार, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई मेरी एक बेटी, माशाल्लाह, ओवर तकरीबन 5 साल हो गए शादी को। मोटिवेशन से मुझे याद आ रहा था कि ऐसा मुझे लग भी रहा था कि आप शायद 2-3 शादी करने के मूड में हो, मैं ऐसा लग रहा था मुझे सर। दूसरी शादी के बारे में क्या सोचते हो? क्यों बिठवाएंगे मुझे मेरी बेगम से? नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं 2-3 शादी का, मैं क्या किसी का बाप नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। ये तो बहुत अच्छी बात की है आपने यार, नहीं कर सकते दूसरी शादी सर, ना करें। अगर मौका मिला? मौका मिला तब भी नहीं करूंगा, ये बातें होनी पूछने वाली हैं। नहीं नहीं भाई देखें, दूसरी शादी वो करता है जो अपनी पहली बीवी से खुश ना हो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहली बीवी से खुश है, अपनी पहली बीवी की इज्जत करते हैं, और ये जो मैंने बोला ये मैंने अपने बलबूते पे बोला है, किसी के बाप से नहीं डरता। ऐसा तो नहीं है कि तुम मोबाइल फोन पे भाभी की कॉल आई हो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? हम नहीं था, सच बोलें। मौलाना तारिक जमील के साथ अभी आपकी मुलाकात? किस शख्सियत का आपने नाम ले लिया? मौलाना तारिक जमील साहब, मैं आपको बताऊं ना, मैं जितने भी लोगों से मिला हूं ना, मैं हर जगह ये बात कहता हूं, जितने भी लोगों से मिला हूं अपनी जिंदगी में ना, वो सारे मैंने भारी भारी लोग देखे, भारी भारी लाइक, उनकी रूह बहुत भारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं अस्तगफिरुल्लाह, मैं गुनाहों से उनकी रूह भारी है, गुनाहों से उनकी रूह भारी है, हर आदमी गुनाहगार है, हम भी गुनाहगार हैं बेशक, ऐसे ही है। लेकिन जब मैंने ना मौलाना तारिक जमील साहब को देखा ना, मैंने जिंदगी में पहली दफा इतना हल्का आदमी देखा, माशाल्लाह। अब यकीन करिए जब मैं मौलाना साहब से मिला ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था इतने हल्के थे, ऐसा लगता मैं हाथ पकड़ के मौलाना साहब को उठा लूंगा, हल्के से मुराद वो उनकी रूह बड़ी सुकून में थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ, माशाल्लाह। और बड़े ठहरा ठहरा के बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनकी उनके हल्के होने की वजह ये भी है कि वो दुनिया से किनारा कशी कर चुके हैं, ऐसा लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि यार उनसे मुलाकात करना, नेक्स्ट टाइम जब जाओ आप तौबा कर लेना फिर आप। यार देखो वो तो बंदा मिलने के बाद तो तौबा कर ही लेता है। नहीं हम सबको तौबा करनी चाहिए, मुझे तौबा करनी चाहिए, आपको तौबा करनी चाहिए, सबको बुरे कामों से, बुरे कामों से बेशक, है ना। तो अहमद भाई बहुत शुक्रिया, आप मेरी बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, आपने इज्जत बख्शी, अल्लाह ताला आपको इज्जत देने वाला, अल्लाह पाक आपकी चुगनी तरक्की अता फरमाए, आप जो काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको निखार रहा है, उसमें और निखार है, और निखार, और ऐसे ही फलते फूलते रहें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। हाँ जी, हम दो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।